नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्टूडेंट एक्टिविटी बोर्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग धोरण 8 हिंदी विषय का दूसरा पार्ट ईदगाह, इस पार्ट के अभ्यास और स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। प्रथम सत्र के इस पाठ में जो अभ्यास दिया हुआ है, उस अभ्यास के प्रश्न हम लोग पहले देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? उत्तर देखते हैं। हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय उसकी उंगलियां जल जाती हैं। चिमटा ले जाने पर वे जरूर प्रसन्न होगी। चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी। खिलौने और मिठाइयां न खरीदकर चिमटा ही खरीदा। प्रश्न दूसरा देखते हैं, चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? उत्तर है, हामिद ने बड़े गर्व के साथ अपने साथियों को बताया कि चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है। इसे कंधे पर रखे तो यह बंदूक हो जाएगा, हाथ में लेने पर फकीरों का चिमटा हो जाएगा, चिमटे से मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है। यदि वह एक चिमटा जमा दे तो सभी के खिलौने की जान निकल जाए। उसका चिमटा तो बहादुर शेर है। वह आग पानी में आंधी तूफान में बराबर डटा रहेगा। इस प्रकार हामिद ने चिमटा खरीदने के पीछे कई कारण बताए और उसकी सर्वोपरिता सिद्ध की। तीसरा प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न है, बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? उत्तर है, हामिद के चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ। उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया। हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। हामिद ने हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक पर वह न्योछावर हो गई। प्रश्न चौथा है, अब आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताइए। उत्तर है, रुमाल छोटी सी मगर काफी उपयोगी चीज है। महिलाओं के पास अपने पर्स में कई चीजें मिल जाएगी जिससे वो खुद का शालीन और सभ्य दिखा सकती है, मगर पुरुषों के पास ऐसा कुछ नहीं होता। साथ ही रुमाल होने पर आपको टिश्यू पेपर के लिए नहीं दौड़ना पड़ेगा। रुमाल हमेशा साफ और स्वच्छ होना जरूरी है। रुमाल को जर्म फ्री भी होना चाहिए, यानी वापर करने से पहले उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। रुमाल का उपयोग हम रोटी रखने के लिए कर सकते हैं। रुमाल के उपयोग से हमें गर्मी में आराम मिलता है। इस प्रकार रुमाल के प्रयोग हमें बता सकते हैं। प्रश्न दो, इस कहानी का शीर्षक ईदगाह ही क्यों रखा गया? इसके अलावा आप कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे, क्यों? उत्तर देखते हैं, ईद की नमाज पढ़ने के लिए गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं। ईदगाह जाने का सबसे अधिक उत्साह लड़कों में है। हामिद उन्हीं में से एक है। ईदगाह हमें नमाजियों का मातृभाव देखने को बनाता है। नमाज के बाद लड़के ईदगाह के मेले में जाते हैं। मेले में बालकों की विविध मनोप्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। कहानी के मुख्य पात्र हामिद के चरित्र की अनेक विशेषताएं ईदगाह के मेले में ही प्रकट होती है।
इस प्रकार कहानी की मुख्य प्रवृत्तियाँ ईदगाह में होने से इस कहानी का शीर्षक ईदगाह रखा गया है। प्रश्न 3 देखते हैं। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर एक परिच्छेद दिया हुआ है, वह परिच्छेद हमें पढ़कर उसके नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो परिच्छेद इस प्रकार से है, जो हमें पाठ्यपुस्तक में दिया हुआ है वहाँ से हमें पढ़ना है और उसके नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर हमें देखने हैं। यहाँ हम लोग प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं? उत्तर है, ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कई उदाहरण मिलते हैं। पहला, महर्षि दधीचि ने मानव कल्याण तथा असुरों के विनाश के लिए अपना शरीर त्याग दिया था। दूसरा, राजा शिवी ने अपने अंग का दान देकर एक कबूतर के प्राण बचाए थे। और तीसरा है, महर्षि दयानारायण ने विष मिलाकर प्राण ले लेने वाले रसोई जगन्नाथ की जान धन देकर बचाई थी। प्रश्न 2, ऋषि मुनियों ने हमें क्या सीख दी है? उत्तर है, ऋषि मुनियों ने हमें सीख दी है कि निराश्रितों को आश्रय दो, दीन दुखिए और वृद्धों की शारीरिक तथा आर्थिक मदद करो, भूखों को भोजन कराओ और यदि आप विद्वान हो तो विद्या का प्रचार करो। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, देश एवं समाज की उन्नति किस प्रकार होगी? उत्तर है, यदि सभी लोग अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते हैं तो देश और समाज की उन्नति होगी। चौथा प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए। आश्रित और अवनति, ये दो शब्दों के विलोम शब्द हमें लिखने हैं। आश्रित का विलोम है अनाश्रित और अवनति का विलोम शब्द है उन्नति। दोस्तों, पांचवा प्रश्न है, परिच्छेद के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए 3 प्रश्न बनाइए। यहाँ पर 3 प्रश्न बनाए हुए, देखो। भारतीय समाज में युगों से क्या प्रभावित होती रही है? दूसरा प्रश्न है, सभी धर्मों का मूल क्या है? और तीसरा प्रश्न बना सकते हैं या पूछ सकते हैं, परोपकार के लिए लोग क्या क्या करते हैं? छठा प्रश्न है, इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। उचित शीर्षक हमें यहाँ पर लेना है, परोपकार की महिमा। इसके अलावा आप अपने मत से भी दे सकते हो। चौथा प्रश्न है, तुम भी हमिद की तरह किसी न किसी मेले में गए होंगे, वहाँ तुमने क्या क्या खरीदा और क्यों? उत्तर देखते हैं, मैं अपने मित्रों के साथ होली के मेले में गया था। यह मेला रामपुर का सबसे बड़ा मेला है। यहाँ तरह तरह की दुकानें लगी थी, जैसे कि मिठाइयों की दुकानें, खिलौनों की दुकानें, कपड़ों की, बर्तनों की दुकानें, हिंडोला, झूला, चक्री, सर्कस आदि कई दुकानें थी। मुझे सब लेना था पर मेरे पास पैसे कम थे, इसलिए मैं मेले में से कुछ काम की चीज लेना चाहता था। मैं और मेरे दोस्त पूरा मेला घूमे पर मुझे कोई काम की चीज नजर नहीं आई। आखिर हम मेले से बाहर निकलने ही वाले थे, लेकिन आखिरी कतार में कपड़ों तथा गरम चटाई, रजाई तथा स्वेटरों की दुकानें थी। मुझे एक स्वेटर पसंद आया। मुझे याद आया कि पिताजी के पास पुराना स्वेटर था जो ठंडी के दिनों में सिर्फ नाम का था। मैं वह स्वेटर खरीदना चाहता था, इसलिए मैंने दुकानदार से भाव पूछा। उसने 500 रुपये कहा, लेकिन मेरे पास सिर्फ 400 रुपये थे। मैंने दुकानदार से ठीक ठीक भाव लगाने के लिए कहा। उसने थोड़ी बहस करने के बाद कहा कि 500 रुपया से 1 रुपया कम नहीं लूँगा। वो नहीं माना तो मैं थोड़ा आगे चल गया। वो नहीं माना तो मैं थोड़ा आगे चला गया
और आगे जाने पर दुकानदार ने मुझे बुलाकर वह स्वेटर दे दिया। मैं खुशी के मारे झूम रहा था। मेरे पिताजी भी बहुत खुश हुए और उन्होंने दूसरे दिन मुझे फिर से 400 रुपये दिए और कहा कि जाओ मेले में घूम कर आओ, मिठाइयाँ खाना, चक्री में बैठना, सर्कस देखना और खूब मजे करना। पांचवा प्रश्न है, यदि तुम्हें मेले से अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो क्या खरीदोगे और क्यों? उत्तर है, अगर मुझे मेले में से अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना है तो मैं एक आराम कुर्सी खरीदूंगा जिसमें मेरी दादी बैठ बैठे आराम से सो सके। वह कहीं भी बैठे बैठे सो जाती है। आराम कुर्सी के लिए जाने पर वह आराम से बैठ सकेगी और अगर नींद आ गई तो वह बड़े आराम से सो भी सकेगी। उनको आराम से सोता हुआ देखकर मुझे बहुत खुशी होगी। दोस्तों, इस पाठ के स्वाध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर हमें दूसरे वीडियो में देखने हैं। तो यह वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स द्वारा बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।